हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस बेल आइकन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जंगल खाली करना है क्या? तो क्या तुम्हें पता है कि आज हमारे गांव में एक नया परिवार आया है हैदराबाद से, और उसमें एक हमारी उम्र का लड़का भी है। अले यार बादल इत्या, तो इतनी दूर थे यहाँ पहाड़ों के बीच त्यू लेने आए दा। अरे क्यों नहीं आ सकते, आखिर हमारा गांव है ही इतना सुंदर। बिल्कुल ऐसी तुम ठीक कहते हो, चलो फिर चलकर देखते हैं और एक नया दोस्त बनाते हैं। ओए दोस्त वोस्त कुछ नहीं बनाना, इसने इतने सारे केले खाने के बाद इसे नींद आ रही होगी। चलो चलो देखे तो थाई हमारे दाव में तौन ना आए। लड़का तो हमारी उम्र का है, चलो इससे दोस्ती करते हैं। ओ यार लैसी, आज ही तो आए हैं ये लोग, ओ उन्हें जरा सामान सुमून तो लगाने दे, ओए फिर बना लेंगे दोस्त। बिल्लू तुम ठीक कहते हो, हम कल मिलेंगे इस नए दोस्त से। बड़े आए दोस्त बनाने वाले, सबसे पहले मैं ही उससे दोस्ती करूँगा। गप्पू हैदराबादी, कसम उड़ान छलने की, तुम कौन मियाँ? मेरा नाम दगड़ू है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं मियाँ, इस वक्त मुझे एक दोस्त की बहुत जरूरत। चलो मियाँ अपना गांव दिखाओ। अरे ये तो वही हैदराबादी लड़का है, लगता है ददलू ने इतने दोस्ती तल ली है। चलो हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। हाँ हाँ दगड़ू, हमें भी मिलवाओ अपने दोस्त से। हाँ हाँ तो मिल लो, मैंने कब मना किया है। ये है मेरा दोस्त गप्पू हैदराबादी। नाना मियाँ, मैं ज्यादा यारी नहीं करता, अपने यारों से कह दो कहीं और जाएं, अभी हम गांव की सैर पर निकले। सुन लिया तुम लोगों ने, चलो मियाँ चलते हैं,
खामा का हमारा टाइम खराब कर दिया, कसम उड़ान छलने की। ओ यारो, ये लड़का तो बड़ा घमंडी निकले है यार, अकड़ तो देखो इसकी। हाँ दे तो थई, हम ते तितला ते बात ही गया जी हो ही छोड़ ने के अंते है आयन खामा यूं भी और एक तमाशु वो छोड़ो रोशनो लश। अरे मेरा तो कोई ढोलक ही ले गया, मेरे तो सब कीमती बर्तन गायब हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, देखिए ना, हम सबके यहाँ कल रात को चोरी हो गई। मैं भी इस चोरी का शिकार हुआ हूँ, मेरी भी कीमती घड़ी गायब है। ओए यारो, देखो मेरे नए जूते, कल मेरे पापा शहर से लेके आए हैं, है ना शानदार जूते। अरे हाँ बिल्लू, तुम्हारे जूते तो बहुत सुंदर हैं। चलो यार, अदली बाल मेले लिए भी मंगवा देना। क्यों भाई दगड़ू, इतना हाफते हुए कहाँ से आ रहे हो? बताता हूँ, जरा सांस तो लेने दो। यहाँ बैठ जाओ दगड़ू। तुम लोगों को पता नहीं, गांव में एक के बाद एक चोरी हो रही है, सब गांव वाले बड़े परेशान और डरे हुए हैं। ओए ये क्या कह रहे हो दगड़ू यार, गांव में आखिर चोरी कर कौन रहा है? यही रखे थे। तुम्हारे जूते भी उसी चोर ने चुराए हैं जिसने गांव में चोरियां की हैं। हाँ सही कहते हो तुम लेसी, कीले पड़ेंगे उस चोर को जो ये चोरियां कर रहा है। आखिर इस चोर को पकड़ा कैसे जाए, समझ ही नहीं आ रहा। चलो दूध पिया जाए, फिर दिमाग चलेगा। आज लैसी कैसे लेट हो गया यार आने में? जरूर कोई जरूरी काम होगा तभी लेट हुआ है। अले यार तुम लोग पागल हो क्या? वो देखो नई टोपी लगाए हुए वो आ गया। ये देखो लैसी, मेरी मम्मी लाई है। डर से बक्से में छुपा दी होगी। नहीं बिल्लू, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल रात को मेरी टोपी भी चोरी हो गई। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी टोपी भी? हे भगवान, और क्या क्या चोरी होगा इस गांव से? लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मेरी टोपी भी मिल जाएगी और चोर भी पकड़ा जाएगा। वो कैसे लैसी, जरूर तुमने कोई तरकीब लगाई होगी। आओ चलो, आज हमें गांव का चोर मिल जाएगा और चोरी किया सारा सामान भी। ओए लैसी यार, मेरे जूते भी मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ, सबका सामान मिल जाएगा। तुम कहने से सकते हो कि ये वही चोर है? गांव के चोरियों को देखते हुए मैंने अपनी सुंदर टोपी में खुजली वाला पाउडर डाल दिया था।
और टोपी रात को इस चोर ने चुरा ली होगी। बस टोपी पहनते ही इसके सर में खुजली और जलन हो गई। ओए तभी इस हैदराबादी ने तालाब में छलांग लगा दी। मुझे माफ करो सरपंच जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं सबका सामान अभी लौटाता। भले सी, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। अलिया लेसी, तुम इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? बस दोस्तों, रोज दूध पिया करो। तुम सब मुझे माफ कर दो मियाँ, मैंने तुम सबसे ठीक से बात नहीं की। क्या तुम सब मुझे दोस्त बनाते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब से तुम हमारे दोस्त हो।